दोस्तों एक बात आज बता दूं कि आज ये जो इस वायरस की वजह से कई लोग परेशान हैं, कई लोग मुसीबत जदा हैं, कई लोग आज जिनको नहीं हुआ उनके घरों में डर और खौफ का माहौल है, डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम्हें तो डरना चाहिए था जब तुम्हारे घरों में धारे सुने जा रहे थे, तुम्हें डरना चाहिए था जब तुम्हारे घरों में फिल्में देखी जा रही थी, तुम्हें डरना चाहिए था जब तुम्हारे घरों के बच्चे गाने गाते थे, तुम्हें डरना चाहिए था जब तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां इन नचैयों और दवैयों को देख कर उन जैसे कपड़े पहनती थी, तुम्हें डरना चाहिए था तब, और आज भी तुम्हें उससे डरना चाहिए, इस वायरस से नहीं। तुमने अपने घरों को चारों पर रहते होंगे, ये बीमारी ना हो, इस बीमारी से मैं खुद रह जाऊं, और फिर डरते हो, खौफ खाते हो, हाथ पांव कांपते हैं, डर जाते हैं, डरने की कौन सी बात, तुम बीमारियों की बात करते हो। ऐसी बीमारियों में कभी कोई बंदा अपने आप को नहीं छोड़ता, और आज मुसलमानों अपने घरों में जाकर देख लेना, आज भी ये सारी चीजें देखने के बावजूद मुसलमान अपने घरों में बैठ कर जय गाने टाइम पास के लिए, वक्त पास नहीं हो रहा, क्या करो टाइम पास के लिए, चलो एक फिल्म भी देख लेते, शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो तुम्हें बीमारियों से डर लगता है, जबकि तुम्हें डरना चाहिए तो तुम्हारे घर में शैतान चल रहा, डर और खौफ का माहौल माशरे में फैला हुआ है। ये नहीं कहता कि आप कोई चीज इस्तेमाल ना करें, हाँ जितनी अतिबा जो चीज बता रहे उसके साथ रहे, लेकिन माथों को लचबाग ना निकल जाए कि नहीं अब अल्लाह के हाथ में ये चीज नहीं है, अब हमें खुद अपने आप को बचाना है। ऐसा